स्टार्ट संयुक्त राष्ट्र का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियों में हुआ था। यह आज तक 80 साल पहले के उसी शक्ति समीकरण की नुमाइंदगी कर रहा है। इस बीच हालात में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अगर सुरक्षा परिषद के वीटो पावर से लैस 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रों पर ही नज़र डाल ली जाए तो आज का ब्रिटेन उस समय के ब्रिटेन की छाया मात्र रह गया है। रूस को लीजिए तो इसे सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की जगह भले दे दी गई हो, शक्ति और प्रभाव में उसका सोवियत संघ से कोई मुकाबला नहीं। भारत के रूप में अगर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश इससे बाहर है तो साउथ अफ्रीका की स्थायी सदस्यता न मिलना भौगोलिक पूर्वाग्रह दर्शाता है। इसी तरह साउथ अमेरिका भी इससे वंचित है और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी भी यह तय है कि जब भी सुरक्षा परिषद में सुरक्षा सुधार का मसला एजेंडा पर आएगा, भारत की तगड़ी दावेदारी बनेगी। न केवल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते रहे हैं। लेकिन यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य राष्ट्र चीन ऐसे किसी भी प्रस्ताव को हर हाल में रोकना चाहेगा। कहने को तो कोविड महामारी के दौरान दुनिया करीब 2 साल तक डरी सहमी और रुकी रही, पर असल में न तो दुनिया रुकती है और न ही उसके वासिंदे। शिल्पा शर्मा का लघु उपन्यास मौली घर चली महामारी और लॉकडाउन के दौरान बंद बंद सी जिंदगी की सामान्य गति से चलती कहानी है। मौली, उसके पिता विलास, माँ शांता, पति संकल्प, ससुर पांडुरंग, सास बिंदु देवर कल्पेश के आपसी रिश्तों से गुंथी यह कहानी आम लोगों के आम जीवन, आम समस्याओं को रोचक अंदाज में बयां करती है। लॉकडाउन के दौरान लोअर मिडल क्लास द्वारा झेली गई मुसीबतों और मुसीबतों से निकलने निपटने की उनकी जद्दोजहद को रियलिस्टिक ढंग से पेश करती है। यह किताब न तो मौली की जिंदगी की समस्याएं अनूठी है और न ही उनके समाधान के तरीके अलग। पिता के बचपन के दोस्त के बेटे से शादी के बाद मौली को पति के साथ रह पाने के लिए अपने हिस्से की मुसीबतों और विरह वेदना से गुजरना पड़ता है। जब पति का साथ मिलता है तो घरेलू खटपट उसका इंतजार करती है, पर मौली आज के जमाने की लड़की है। वह अपनी समस्याओं
न केवल हल करना जानती है बल्कि परिवार को साथ लेकर चलने का हुनर भी उसके पास है। स्टॉप।